और अब बात करते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ रहा, लेकिन मंगलवार से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दोबारा से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 20 और 21 अप्रैल को मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश सहित अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी हुई है। 21 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। बीते कल रविवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा, हालांकि हल्के बादल छाए रहने के चलते अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई। वहीं आज भी प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ रहा। वहीं मंगलवार से एक बार फिर मौसम के करवट लेने का पूर्वानुमान है। 20 और 21 अप्रैल को मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश सहित अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी हुई है। 21 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बीते कुछ दिन से प्रदेश में बारिश नहीं होने से बन रहे सूखे की स्थिति अब लगभग टलती नजर आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मध्य और पर्वतीय क्षेत्रों में 23 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा। मैदानी जिलों में 22 अप्रैल तक धूप खिलने की संभावना है। वहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार पानी की किल्लत एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, लेकिन इस प्रकार समय समय पर यदि मौसम करवट बदलता है और बारिश हो जाती है तो इस समस्या से राहत मिल सकती है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीड टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।